नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कवि कुमार आजाद की। बिहार प्रतिभाओं से धनी राज्य है, क्योंकि यहां की प्रतिभा हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्षेत्र चाहे जो हो, बिहारियों का बोलबाला जरूर देखने को मिलता है। इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर से ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जो आज हमारे बीच तो नहीं है, मगर बिहार का मान उन्होंने बखूबी बढ़ाया है। हम बात कर रहे हैं कवि कुमार आजाद की, जिन्हें हम में से बहुत सारे लोग हंसराज हाथी या हाथी भाई के नाम से भी जरूर जानते होंगे। मगर आपको यह जान के हैरानी होगी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपने अभिनय का परचम देने वाले, साथ ही 9 साल तक तारक मेहता में लोगों का मनोरंजन करने वाले कवि कुमार आजाद का जन्म बिहार के सासाराम में 12 मई 1972 को हुआ था। वहीं उन्होंने आखिरी सांस साल 2018 में जुलाई महीने में ली थी। हाथी भाई के नाम से मशहूर कवि कुमार आजाद को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण ही उनकी जान गई थी। वहीं कवि कुमार आजाद के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो सासाराम में जन्मे कवि कुमार को पहले हरपाल के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से उन्होंने अपना नाम बदलकर कवि कुमार आजाद रख लिया। उसके बाद से लोग उन्हें उनके नाम से ही पहचानते हैं। कवि कुमार आजाद को अभिनय का शौक तो था ही, उन्हें लेखन में भी काफी रुचि थी। अपने खाली समय में उन्होंने कविताएं लिखने का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था और उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं। उन पर अभिनय का जुनून इस कदर सवार था कि पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई रवाना हो गए थे। अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने कई लघु फिल्मों में काम किया और कुछ फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने साल 2001 से 2003 के डीडी नेशनल टीवी के सुपर हीरो शो जूनियर जी में एक मजाकिया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया था। उन्होंने शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से लोकप्रियता हासिल की, जिसे जुलाई 2008 में शुरू किया गया था। उन्होंने गोकुल धाम सोसाइटी के निवासी डॉक्टर हंसराज हाथी की भूमिका तारक मेहता के उल्टा चश्मा में निभाई थी। 9 जुलाई 2018 को मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका अंतिम संस्कार मीरा रोड मुंबई में हुआ था। कवि कुमार आजाद ने अब तक कई फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल निभाया था, जिसमें साल 1993 में बाजीगर, 1996 में दरार, साल 2000 में मेला, 2001 में कुछ खट्टी कुछ मीठी, 2003 में फंटुश, 2004 में आबरा का डाबरा, 2004 में ही मदहोशी, 2005 में क्यूकी और साल 2008 में जोधा अकबर में काम किया था। वहीं टेलीविजन शो की बात करें तो कवि कुमार आजाद ने जूनियर जी साल 2003 में, शरारत 2004 में, हातिम 2006 में, हीरो भक्ति ही शक्ति है साल 2011 में, बेस्ट ऑफ लक्ष्मी की। वहीं 2009 से 2018 तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उन्होंने काम किया था। आज भले ही कवि कुमार आजाद हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी गोकुलधाम सोसाइटी में उनकी कमी हमेशा खलेगी। साथ ही बिहार की ऐसी प्रतिभा की सराहना हमेशा की जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।